सिर्फ एक काम दिया जाता है पुलिस को, एक पर्टिकुलर एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट करो, उसको बदनाम करो, उसके खिलाफ नफरत फैलाओ। जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है उन सारे लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस दिन औरंगाबाद में मौजूद नहीं। वही महाराष्ट्र पुलिस है जिसको हम जो है तो गर्व से कहते हैं कि ये महाराष्ट्र पुलिस ने पूरी देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हमारे संविधान का नाम रोशन किया था। तो गेट के अंदर रहने वाले वो शख्स को गोली लगी, वहां के लोगों ने उनको जैसे तैसे जो है तो संभाला, उनको हॉस्पिटल भेजा वहां पर जो है तो। लेकिन बदकिस्मती देखिए, वो मुनीर साहब को दंगाई के तौर पर जो है तो FIR के अंदर नाम है। अच्छा, पत्रकार परिषद का मुद्दा क्या है, क्या सांगा? आज का पत्रकार परिषद जो हम ले रहे हैं, हमारी जो बात आपको बुलाकर हम अपनी रख रहे हैं आपके सामने, उसका मेन मकसद है, उनको कोई सनसनी नहीं है, कोई ब्रेकिंग नहीं है। हमारा संविधान के अंदर जो अधिकार दिया है, अधिकार के साथ में जो ड्यूटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो संविधान की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इंसाफ को यकीनी बनाने के अंदर अपना रोल जो है तो निभाना, ये हमारा जो है तो मकसद है मेन इसके अंदर। हम यहाँ पर दो वीडियो को लेकर आपके सामने आए हैं। दो वीडियो जो आपको हम बताना चाहते हैं, वो दो वीडियो ऐसे हैं, ये ऑलरेडी पब्लिक के अंदर है, ये ऐसा नहीं है कि मेरे अकेले के पास है, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, ये पब्लिक के अंदर है। इसके अंदर एक तो पहला कंफर्मेशन ही पहले वीडियो में ये है कि एक मॉब जो है तो गाड़ियों के ऊपर, टू व्हीलरों के ऊपर वहां पर आया राम मंदिर के पास में। फिर उसके बाद जो है तो वो नारेबाजी लगाकर शायद इमीडिएट वो पुलिस वैन के पीछे में खड़ा हुआ है। पुलिस वैन जनता डुडेरी जो है वहां पर उसके सामने खड़ी हुई है, उसके पीछे ये मॉब है। अब ये मॉब कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है, कौन है? हिंदू मुस्लिम तो सवाल ही नहीं होता, ये जो है तो समाज कंटक होते हैं, इनको जो है तो किसी जात धर्म से नहीं देखना चाहिए। तो पहला इनको जो है तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो डायलॉग ये जो उन्होंने कहा है उसको हम जो है तो आइडियल समझेंगे। इस वक्त में उन्होंने कहा कि दंगाइयों को जो है तो कपड़ों से पहचानो। तो वीडियो के अंदर जो लोग दिख रहे हैं वो चड्डी के अंदर, नेकर के अंदर पहने हुए खड़े हुए वहां पर है। किराड़पुरा के अंदर चड्डी पहनने का कोई रिवाज नहीं है। और उसके बाद और एक ये चीज है कि ये जो लोग खड़े हुए हैं 30-40 लोगों का एक मॉब दिख रहा है, वो लोगों बाद में जो है तो पुलिस के कुछ अधिकारी उनको मंदिर के अंदर लेके गए। तो ये जो दो वीडियो है इसके अंदर बहुत बड़ी सच्चाई निकल के आ रही है। पहली सच्चाई ये है, किराड़पुरे के जो जनता है उनको जो बदनाम किया जा रहा है कि इन्होंने मंदिर के ऊपर पत्थर चलाए, सबसे पहले ये झूठ का जो है तो पर्दाफाश हो रहा है। वो ऐसे हो रहा है क्योंकि राम मंदिर जो है किराड़पुरे के अंदर है, ये सदियों पुरानी मंदिर है, आजकल की मंदिर नहीं है। और सदियों से यहाँ पर इस मंदिर को बचाने के लिए किराड़पुरे की अवाम या उसको सिक्योरिटी देने के लिए किराड़पुरे की मुस्लिम अवाम जो है तो वहां पर खड़ी हुई है। आज भी रामनवमी करके सारे लोग चले गए हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के किराड़पुरे के लोग आज भी उस मंदिर को सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं, उसकी देखरेख कर रहे हैं। तो ये जो इल्जाम लगा है, अब ये जो लोग अंदर गए, अंदर जाने के बाद इन्होंने क्या क्या हरकतें की, क्या इन्होंने मॉब को अंदर से गेट में से उकसाया, क्या इन्होंने जो है तो कुछ और गाली गलौज अपशब्द कहे, ये जांच का विषय है। और इसके बाद ये समझ में आ गया कि जो लोग वहां पत्थर चला रहे थे वो पत्थर मंदिर पर हरगिज नहीं चल रहा, बल्कि ये जो समाज कंटक वहां पर आए थे इनकी जो कुछ जो है तो गैर जरूरी एक्टिविटी की वजह से उनके अंदर जो है तो गुस्सा आया, उन्होंने उनके ऊपर पत्थर चलाया। ये क्लियर यहां पर इस बात को समझ में आनी, ये सच्चाई जो है तो 3 दिन पहले भी आ सकती थी बहुत आसानी से, बहुत सारे एविडेंस यहां पर मौजूद है, लेकिन सारे कैमरे, सारे वीडियो, सारा डाटा आज पुलिस प्रशासन के अंडर में है, पुलिस प्रशासन के कंट्रोल में है। ये कंट्रोल में होने के बाद भी अब तक ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसके बाद हमारा और ये कहना है कि पुलिस प्रशासन जो है इनको जो है तो कमजोर किया जा रहा है कार्रवाई करने के अंदर, इनको जो है तो पुलिस प्रशासन के हाथ और पैर बांधे जा रहे हैं। ये बांधना किसकी तरफ से हो रहा है, ये बांधना हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से हो रहा है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की तरफ से हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक हफ्ता भी नहीं हुआ देश की सर्वोच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य की सरकार के खिलाफ में फैसला सुनाया, उस टिप्पणी की, ये कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। और हम देख रहे हैं कि ये जो मामला हुआ सिर्फ औरंगाबाद शहर में नहीं हुआ, महाराष्ट्र राज्य के कई जगहों में ये ऐसा मामला हुआ है। इसका मतलब क्लियर है कि हिंसा करने के लिए
परमिशन अलाउ की गई थी, ये परमिशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है तो अलाउ की गई है, इसकी जो है तो उच्च स्तरीय जो तो जांच होना चाहिए और ये झूठ का सारा पर्दाफाश होना, सच्चाई को लेकर जो है तो न्याय होना चाहिए इम्तियाज जलील साहब खासदार। हम उनके ऊपर बहुत भरोसा किया, किराड़पुर की आवाम ने उनके ऊपर बहुत भरोसा किया, उनसे कम से कम ये उम्मीद थी कि ये जो लोग मंदिर के अंदर बैठे थे इनकी क्या एक्टिविटी थे, ये कौन लोग थे, किस मंशा से आए थे, किस कॉन्स्पिरेसी को ये लोग लाए थे, इसका कम से कम इम्तियाज जलील साहब ने जो है तो आवाम के सामने लाना चाहिए था सच्चाई। लेकिन इम्तियाज जलील साहब पता नहीं पिछले 3-4 दिन से क्यों खामोश हो गए, इसका एक बहुत बड़ा सवाल निशान जो है तो उठ रहा है। आपके पास वीडियो है, आप बोल रहे हैं कि इसमें कुछ और लोग है और पुलिस के पास जो है वो अलग है, पुलिस जो कार्रवाई कर रहे हैं जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया है वो भी तो वीडियो की आधार पे किया है ना। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वो वन साइड वीडियो है, बोथ साइड वीडियो नहीं है, दोनों तरफ की वीडियो। पुलिस के पास जो वीडियो है जो बताया जा रहा है, मेरे 100% गारंटी है ये भी वीडियो पुलिस के पास है, इसमें कोई वो नहीं है, पुलिस के पास ऑलरेडी ये भी वीडियो है, ये भी डिटेल है, सब कुछ है, लेकिन कार्रवाई वन साइड है। ये जो हुआ है आपको कहना क्या है, वन साइड यानी कहा वन साइड ये है, कार्रवाई हो रही है हिंदू पर नहीं हो रही, ऐसा आपको कहना है? मुस्लिम और हिंदू नहीं है, ये जो ग्रुप आया निकर पहन के जो मंदिर के अंदर घुसा, इस ग्रुप के ऊपर कार्रवाई नहीं, यानी आप जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आप प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर रहे हैं, जो लोग पकड़े गए हैं वो बेगुनाह है आपने कहा है? पूरे लोग बेगुनाह नहीं है बोल के ऐसा मैंने नहीं कहा, उस 40 में से कितने लोग बेगुनाह? देखिए हिंसा करने वाले कोई भी हो, किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मोहल्ले के रहने वाले हो, वो मुजरिम है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जो बेगुनाह लोग है, यकीनन बेगुनाह लोग आए हैं उसके अंदर, उनको हरासमेंट हुआ है, इसके सैकड़ों एविडेंस अब आ चुके हैं, लोगों के ने जो है तो अपने रेल टिकट भी जो है तो वहां पे सबमिट किया, कई लोग बोले स्पॉट पर नहीं है, सारी चीजें आई है। और नहीं, कम से कम इतना तो आपको भी मानना पड़ेगा कि कई लोगों को जो है तो बुलाकर बहुत सख्त तरीके से पूछताछ की जा रही है, उनको हरासमेंट किया जा रहा है, उनकी फैमिली को हरासमेंट किया जा रहा है, बाद में छोड़ा जा रहा है, हरासमेंट तो हो रहा है, हरासमेंट से इनकार कैसे कर सकता है? आप अपील क्या करेंगे? हम गवर्नमेंट से अपील क्या करेंगे? हमारी अपील में यही है, और एक जो एग्जांपल है जिनको जो तो गोली लगी, जिनके ऊपर जो तो मुनीर साहब है, वो भी अपने घर की बाउंड्री के बाहर नहीं निकले, आज जो तो वो भी वीडियो पब्लिक के सामने आ चुका है, वो घर के अंदर ही है। पुलिस की जो कार्रवाई है असली मुजरिमों को पकड़ने के लिए, वो कार्रवाई कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हो रही, ये हमारा जो कहना है, वो लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो है तो होना चाहिए, वो होने के अंदर हमको यकीन है, हमको कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कायदा जो है तो काफी है, यहाँ पर जो है तो असल गुनहगारों को जो बेनकाब करने के लिए ये कायदे के जरिए से ही उसका सही प्रोसेस होना चाहिए, बस हमारा ये डिमांड है इसके अंदर, और हम ये चाहते हैं कि जुडिशियरी इंटरव्यू इसके अंदर होना चाहिए। अब ये सब जो आपके पास एविडेंस है ये आप पुलिस को सुपुर्द करेंगे आने वाले? बिल्कुल करेंगे, हम सीपी साहब को भी करेंगे, वक्त पड़ने पर आईजी डीआईजी साहब से भी हम जो है तो हमारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। झूठ का बोलबाला इतना है, झूठ की जो तो ताकत इतनी है कि सच बोलने के लिए आवाम के अंदर डर है, सच बताने के लिए यहाँ पर सामाजिक सियासी मजहबी लीडरों के अंदर डर है, ऐसी एक जो तो सिचुएशन यहाँ पर हो रही। तो गेट के अंदर रहने वाले वो शख्स को गोली लगी, वहां के लोगों ने उनको जैसे तैसे जो तो संभाला, उनको हॉस्पिटल भेजा वहां पर जो तो, लेकिन बदकिस्मती देखिए वो मुनीर साहब का दंगाई के तौर पर जो तो एफआईआर के अंदर नाम है, जो जिनको जो तो कत्ल हुआ है, जिनका इंतकाल हुआ है, उन्हीं का नाम आरोपी के नाम पे है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है तो कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर एफआईआर है मतलब ये पीआई साहब की बस की बात नहीं, इतना बड़ा इंसिडेंट इसके अंदर पूरा जो है तो नियोजन होना, इसके अंदर कैसे कैसे गुनाह दाखिल करना और कैसी कार्रवाई होना, ये पीआई साहब की बस की बात नहीं है, इसके अंदर यकीनी तौर पर पुलिस के बड़े अधिकारी इन्वॉल्व है। और इस बात को आप अच्छे तरीके से समझिए कि ये पूरा जो घटना हुआ उसके बाद में पुलिस की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई है, मेरा दावा है अगर सही इन्वेस्टिगेशन टीम अगर आती है
तो तीन दिन के अंदर इतने पुरावे मौजूद है, इतने एविडेंस है, इतने सबूत है कि पूरी सच्चाई का जो है तो पर्दाफाश हो जाएगा, सच्चाई पूरी आवाम के साथ में आ सकती। सर शर्त यह है कि इन्वेस्टिगेशन सही होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ये वही हमारी महाराष्ट्र पुलिस है जिसके ऊपर हमको बहुत गर्व था, जिसने जो है तो हमारी देश से अंडरवर्ल्ड जैसा कैंसर को खत्म करने वाला हमारा महाराष्ट्र पुलिस, ये वही महाराष्ट्र पुलिस है जिसने बंबई हमले के अंदर अपनी जान को कुर्बानी देके पूरी दुनिया के अंदर महाराष्ट्र पुलिस का नाम रोशन किया था। ये वही महाराष्ट्र पुलिस है, ये वही महाराष्ट्र पुलिस है जिसने देश के अंदर एक्चुअल जो आतंकवाद हो रहा है, एक्चुअल जो बम ब्लास्ट हो रहे है उसको जो है तो बेनकाब करने वाला यही हमारा महाराष्ट्र पुलिस है। ये वही महाराष्ट्र पुलिस है जिसको हम जो है तो गर्व से कहते हैं कि ये महाराष्ट्र पुलिस ने पूरी देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हमारे संविधान का नाम रोशन किया था, हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया था, ये हमारी महाराष्ट्र की पुलिस है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जब से देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री आए हैं और जो एकनाथ शिंदे ये हमारे चीफ मिनिस्टर आए हैं, ये दोनों मिलकर एक राजनीति फायदा उठाने के लिए आने वाले इलेक्शन जो लोकसभा इलेक्शन है और जो विधानसभा इलेक्शन है और अलग अलग कारपोरेशनों के इलेक्शन है, ये कारपोरेशनों के इलेक्शनों के अंदर फायदा उठाने के लिए नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आज देश की सर्वोच्चतम न्यायालय ने इसकी जो तो पुष्टि कर दी है। खुले अल्फाज में महाराष्ट्र सरकार के बारे में क्या कहा है आपके बारे में, आपके सबके सामने है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले है उसको भी सामने रखिए और आज जो चल रहा है उसको भी सामने रखिए। हमारी महाराष्ट्र पुलिस इतनी कमजोर नहीं हो सकती, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और जो है तो हमारे मुख्यमंत्री हमारी पुलिस को जो है तो उनके हाथ बांध रहे हैं, उनके पैर बांध रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर नफरत नहीं रुक रही है, वायलेंस नहीं रुक रहा है। ये मेरी कुछ बातें थी, ये मैं आपके सामने रखा हूं। इसके बाद मैं आपके सामने ये जो दोनों वीडियो है वो दोनों वीडियो हम लोग आपको देते हैं। आप कह रहे हैं कि वो लोग झांके नहीं थे, वो लोग कह रहे हैं वो लोग झांके नहीं थे, थे कौन दंगे खोर? वीडियो है सर, एविडेंस है। एक मिनट जी, जैसा आप बोले एक मिनट का प्रश्न हो ना, मैंने जो पूछा तो उसका उत्तर बता दो ना। एक एक करके ले सर, हमने जो वीडियो के अंदर जो मॉब दिख रहा है आसानी से क्लियरली उनको आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनको जो है तो पकड़कर सारी जो है तो डिटेल लाई जा सकती है सामने आवाम के, हमारा वही बोलना है। कल सीपी साहब ने आह्वान किया, आश्वासन किया कि हम जो है तो फुटेज के आधार पे जो लोग वहां है उन्हीं को उठाएंगे और उन्हीं को अरेस्ट करने वाले, तो फिर आप बोल रहे कि बेगुनाहों को अरेस्ट कर रहे, ऐसे कौन है बेगुनाह जिसके बारे में आप बता सकते क्या? उसमें ऐसा है कि अभी जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है उन सारे लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस दिन औरंगाबाद में मौजूद ही नहीं थे, और उसके एविडेंस हैं जो कोर्ट में अभी दाखिल किए गए हैं, मैं अभी कोर्ट से आ रहा हूँ, उनके एविडेंस अभी डाले गए हैं कि वो लोग यहाँ मौजूद नहीं थे, उसके बाद भी उनको उठाया गया। अब तकरीबन 40 से 45 लोगों को पकड़ा गया है, तो ये सबके सब बेकसूर है आपका? सबके सब बेकसूर है, इसका ये गारंटी हम नहीं ले सकते, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेकसूर हैं और जो यहाँ मौजूद ही नहीं थे उनको उठाया गया। तो पर्टिकुलर वो लोगों के लिए आप लड़ने वाले हैं या सभी के लिए लड़ने? हम किसी के लिए लड़ने की बात ही नहीं की अभी तक, ना हम लीगल एड देने वाले हैं ना हम लीगल प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं, जो जा रहे हैं वो अपना अपना देखेंगे, हम जो सच्चाई को सामने लाने का काम कर रहे हैं बस, दूसरा हमारा कोई काम नहीं। तो आपका बोलने का मतलब ये आ रहा खुले अल्फाजों में कि पुलिस गलत कार्रवाई कर रही, क्या बोलना है? पुलिस कहीं ना कहीं मजबूर है, हमारा ये बोलना है मेन, ये मजबूर हम खुले अल्फाजों में कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो हमारे उप मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री भी है, और एकनाथ शिंदे साहब जो हमारे जो है तो मुख्यमंत्री है, इनकी वजह से पुलिस कमजोर हुई है, ये हमारा जो है तो बोलना है।